हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं सोफिया। आज हम बनाएंगे अरबी गोश्त, जिसके लिए मैंने आधा किलो मीट लिया है और 250 ग्राम अरबी ली है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। सब्ज़ी के साथ आप अगर नॉनवेज को बनाते हैं, मीट को बनाते हैं, तो दोनों का ही टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम इसके मसाले के लिए लेंगे ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। इसे हमें पीसना है और इसको हमें फ्राई करना है। इस प्याज को ये रंग की 3 प्याज लेनी है। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये आपका 1 टेबल स्पून है। 1 टीस्पून आपका मिर्च है, 4 चम्मच आपका धनिया है, नमक है 1 चम्मच है, और 1 पिंच हल्दी है। हल्दी बहुत कम लेनी है। गरम मसाले में सभी लेंगे, तेज़पत्ता का पत्ता लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 बड़ी इलायची हैं, 6 लौंगे हैं और आपके 10-12 काली मिर्चें हैं। थोड़ा सा हम इसमें पिसा गरम मसाला डालेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है बनाना। थोड़ा सा इसमें हम नींबू का, इसमें लेमन जूस लेंगे और 2-4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। तो सबसे पहले हम प्याज को जो है इसको 2 को पीस लेंगे और इसको हम फ्राई के लिए रखेंगे। ये मैंने प्याज को पीस लिया है। जो बाकी मसाले थे मैंने उन सबको इसमें डाल के, धनिया मिर्च हल्दी नमक सबको डाल के इसमें पीस लिया है। तो जब आप पीसे तो आप थोड़े ये सारे मसाले इसमें डाल के पीस लें, तो जिससे हमारी करी जो आती है वो और भी ज़्यादा फाइन अच्छी आती है। वरना आप देखेंगे कि अगर हम ऐसे ड्राई मसाले डालते हैं, जो भी हम शोरबे वाली चीज़ बना रहे हैं, थोड़ी पतली शोरबे की, यानी कि बहुत ही पतली करी की, तो उसमें आप देखेंगे थोड़ा दरदरापन रह जाता है। तो आप प्याज के साथ मसालों को पीस लें तो वो दरदरापन इसमें से ख़त्म हो जाता है। बहुत ही अच्छी इसकी करी बनकर आती है। हम कुकर में ऑयल लेंगे। ये मैंने 2.5 चम्मच ऑयल लिया है, इतना बड़ा। और इसमें हम सबसे पहले गरम मसाला ऐड करेंगे। मीट के साथ सब्ज़ी बनाने में लोग डरते हैं काफ़ी कि पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा, लेकिन आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा बनकर आता है दोनों चीज़ें, और कुछ नया भी होता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। गरम मसाले के बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमारी थोड़ी गुलाबी हो जाए, फिर हम मीट को डाल के थोड़ा फ्राई करेंगे इसे। प्याज गुलाबी होने पर आ गई है, गैस को हम सिम करेंगे और इसके अंदर हम मीट डालेंगे। इसे हमें कम से कम हम इसे 5 मिनट थोड़ा फ्राई करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा हल्का सा गुलाबी सा दिखने लगे। उसके बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। 5 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे हम कम से कम 2 मिनट इसके मसाले के साथ भून लेते हैं। फिर हम इसको सीटी लगा के 2 मिनट इसे भूनने के बाद हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। और 1 सीटी के बाद हम इसको सिम गैस पर 10 मिनट के लिए बनाएंगे। तो गोश्त गल गया है, अब हम इसे भून लेते हैं। इसे हम दूसरी गैस पर रखते हैं। थोड़ा सा हमें अरबी को फ्राई करना है, जिसके लिए हमने 2 डिश का चम्मच ऑयल लिया है। थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम इसके अंदर अरबी डालेंगे। अरबी को हम फ्राई करना है थोड़ा सा। इससे हम फ्राई करते हैं तो इसमें लुआब होता है वो इसका ख़त्म हो जाता है, और इसमें हम लेमन जूस डालेंगे जिससे इसका लुआब बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अरबी का साइज़ आप देखिए इतना ही होना चाहिए, छोटी अरबी होती हैं तो गल भी जल्दी जाती हैं और टेस्ट में भी अच्छी लगती हैं। बड़ी अरबी गलने में टाइम लेती हैं, आपको पता है, और कुछ कच्ची भी रह जाती हैं कभी कभी, तो इसलिए अगर आप पॉसिबल हो सके तो आप छोटी अरबी लीजिए। और इसमें 1/2 लेमन जूस डाल के इसे हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसको उतार लेंगे। गोश्त भी अच्छे से भुन गया है, अब हम इसके अंदर अरबी डाल देते हैं। साथ ही हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे और इसी में हम 2 गिलास पानी डाल देंगे। और इसे हम 1 सीटी के बाद सिम गैस पर 2 मिनट बनाएंगे और कुकर को गैस को ऑफ कर देंगे। जब कुकर ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको खोलेंगे।
मैं इसको इसमें आपको लहसुन अदरक डालना भूल ही गई, वो सॉरी मैंने कैमरे के पीछे ही डाल दिया था, तो इसके लिए सॉरी। बस अब हमारा ये रेडी है एकदम। हम इसको एक सीटी के बाद जो है सिम गैस पर सिर्फ इसे 2 मिनट बनाना है, फिर हमें गैस ऑफ कर देना है। कुकर ठंडा होने के बाद हम खोलेंगे और जो पिसा गरम मसाला है हम इसके अंदर डाल के इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही बंद रहने देते हैं और फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये अरबी गोश्त बन के एकदम रेडी है। आप इसको प्लेन रोटी के साथ इसको खाएं और इसको एंजॉय करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, गुड बाय, हैव अ गुड डे।